हेलो एवरीवन, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया जाएगा कि कैसे जीमेल पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना है एक ही फ़ोन पे। क्योंकि हमें कुछ क्वेरीज मिली थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है कि उनके पास एक ही फ़ोन है और वो कैसे रजिस्टर करे, क्या करे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए आपको गाइड करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए जिनके एक से ज़्यादा भाई बहन अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, वैसे पेरेंट्स जिनके एक से ज़्यादा बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि कैसे क्या बनेगा। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे जीमेल खोल लेना है। जीमेल आपके फ़ोन पे ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जीमेल आप जैसे ही खोलिएगा, यहाँ पे जहाँ स्कूल का फोटो बना हुआ है टॉप राइट साइड में देखिएगा, वहाँ पे आपका जो भी जीमेल अकाउंट होगा आपके नेम से या आपका फोटो लगा हुआ होगा, जो भी होगा वहाँ पे आपको टैप करना है। वहाँ जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, या नीचे पे आप देखिए ऐड अनदर अकाउंट करके दिख रहा है, आप ऐड अनदर अकाउंट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको गूगल पे फिर क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेटअप ईमेल, तो ये गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी पूछेगा इसको कंटिन्यू कंफर्म करना होगा। इस पे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ऑलरेडी एक दूसरा अकाउंट बनाना है क्योंकि आपके एक से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो दूसरे बच्चे के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पे जाना है। नीचे देखिए क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, क्रिएट अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे पूछेगा फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस, इसमें आपको फॉर माई सेल्फ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम जो भी आप अपने यहाँ फर्स्ट नेम फिल कर दीजिए। ओके, मैंने एक भर दिया अब्दुल रजक करके, जो भी आपका नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डे पूछेगा यहाँ पे, डेट ऑफ ईयर, इंटरव्यू बर्थ डे एंड जेंडर, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। जेंडर आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मेल फीमेल, आप यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे यूजर नेम @gmail.com सजेशन, मतलब कुछ भी आपको यहाँ पे फीड करना है। जैसे आप अपना जो भी मेल आईडी रहता है, तो जैसे अब्दुल रजक नाम मैंने रखा था तो अब्दुल रजक 0345 ऐसे कुछ भी डाल दीजिए, और नेक्स्ट जैसे ही आप कर दीजिएगा तो वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो वो आपका एक न्यू मेल आईडी जनरेट, मतलब क्रिएट हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। तो इसके लिए जैसे हमें हमारे पास क्वेरीज वगैरह आए थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने घर में बोला कि एक फ़ोन पे नहीं हो पाएगा, इसके लिए अलग अलग फ़ोन चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं है। ये एक ही जीमेल अकाउंट पे आप जितना चाहे उतना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग फ़ोन का ज़रूरत नहीं है। आप एक ही फ़ोन पे दो तीन चार पाँच जितना आपको क्रिएट करना है वो आप हो जाएगा। तो जैसे ही ये आपका न्यू अकाउंट रजिस्टर हो जाता है, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी किया हुआ है सारा कुछ, तो इसलिए इसे मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो आपका जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप फिर इस पर जाइएगा, तो आपको इसी के नीचे आपका अकाउंट जो दूसरा आपने बनाया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपको कल लिंक दिया गया था उस लिंक पे आना है, सैम्पल टेस्ट वाला जो आपको मिला हुआ था स्कूल की तरफ से। इस पे आपको फिर रजिस्टर करना होगा दूसरे स्टूडेंट के लिए। जैसे कि कल मैंने बताया था कि अगर आपके तीन बच्चे पढ़ते हैं, एक का नाम राहुल है, दूसरे का कांच और तीसरे का नाम सुमित है, तो राहुल के लिए जैसे कल बनाया गया था तो वैसे ही आपको अब आकांक्षा के लिए बनाना है। तो चूज अ यूजर नेम, कुछ भी आप यहाँ यूजर नेम चूज कर दीजिए, जैसे आकांक्षा है तो आकांक्षा 1 2 3 या आकांक्षा 4 5 ऐसे कुछ भी रख लीजिए। योर नेम आकांक्षा का जो भी रजिस्टर्ड नेम स्कूल पे है यहाँ पे लिख लीजिए आकांक्षा कुमारी। फादर सेम, उसके फादर का जो भी नाम होगा वो यहाँ होगा। ईमेल आईडी यहाँ पे जो अभी आपने नया ईमेल आईडी क्रिएट किया वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, एग्जिस्टिंग नहीं। अगर आपने पहले से जो ईमेल आईडी राहुल के लिए यूज कर दिया तो वो ईमेल आईडी यहाँ आकांक्षा पे यूज नहीं होगा। हर स्टूडेंट के लिए एक अलग ईमेल आईडी रहेगा। इस पे एक चीज और क्लियर करना है कि स्टूडेंट के लिए एक अलग ईमेल आईडी भी बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आपके मम्मी पापा का या पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग मेल आईडी है तो उस मेल आईडी से भी चल सकता है, लेकिन सिर्फ यहाँ ध्यान यही देना है कि हर स्टूडेंट का एक अलग मेल आईडी होगा। जैसे अगर राहुल में आपने मेल आईडी यूज किया, सपोज मान लीजिए कि rahul@gmail.com, तो आकांक्षा में भी rahul@gmail.com ये मेल आईडी यूज नहीं होगा। आकांक्षा के लिए अलग मेल आईडी बनाना होगा, जो भी आपने क्रिएट नया भी जो आपको बताया गया कैसे क्रिएट करना है वैसे ही आपको मेल आईडियाँ क्रिएट करके वो पुट करना है। फिर यहाँ पे आप क्लास डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, फिर रजिस्टर। तो जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा, कल वाले वीडियो में आपको सारा कुछ बताया गया था कि जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा वो कन्फर्मेशन मेल वगैरह सारा आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर्स लॉग इन, क्योंकि आप अब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो अब आपको यहाँ अपना यूजर नेम या मेल डालिए और फिर पासवर्ड डालिए, फिर आप यहाँ पे लॉग इन कीजिएगा। तो ये लॉग इन कीजिएगा तो जैसे कल मैंने जो बनाया था राहुल 1 2 करके, इसको मैं यहाँ पे अभी डाल के दिखाता हूँ।
ये जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर किया तो ये सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट ये खुल गया, ये ओपन हो गया। तो इसके बाद आप जैसे यहाँ पे ये तो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए दिया हुआ, ये नर्सरी से 12th के लिए भी ऐसे ही है। ये प्रैक्टिस टेस्ट इसमें बताया गया है कि किस तरह से फॉर्मेट और डिजाइन रहेगा, अभी सारे क्लास के लिए यही है। जब आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे तब तो उस समय क्लास वाइज सारे का क्वेश्चन अलग रहेगा, ये आपको बस बताने के लिए है। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से क्या रहेगा, मतलब टोटल टेस्ट कैसा रहेगा, फॉर्मेट कैसा है, टाइमिंग जो उसमें नीचे आपको शो कर रहा था, तो वो सारा कुछ इस पे बताया गया। इसलिए सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट ये अभी रहेगा आपका 21 नवंबर तक। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन वगैरह आपको कैसे फेस करने होंगे, कैसे क्या है। इसलिए ये है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ऊपर में देखिए जो सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट लिखा हुआ है, इसके टॉप राइट कॉर्नर पे एक इमेज जैसा एक बना हुआ है, इसको आप जैसे ही टैब क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जैसे प्रोफाइल आ जाएगा आपका, तो इसी को आपको फिर यहाँ पे लॉग आउट करना है। यहाँ पे देखिए लॉग आउट का ऑप्शन है, तो जैसे ही आप यहाँ लॉग आउट कीजिएगा, ये लॉग आउट हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे, अब ये तो राहुल का मैंने डाला, अभी आपने आकांक्षा का नया अकाउंट क्रिएट किया है, तो आपको अब यहाँ पे आकांक्षा का यूजर नेम या ईमेल आईडी पुट करना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर आप लॉग इन कीजिएगा, तब फिर वो आकांक्षा के लिए खुल जाएगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि मतलब जितने बच्चे हैं आपके, सबके लिए अलग अकाउंट क्रिएट होगा, और जो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके एक से ज्यादा भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं, जो सिंगल हैं उनको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, उनको कोई परेशानी भी नहीं है, बस उनके लिए। और ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये नॉर्मल चीज है, बस कॉमन सा है, आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अकाउंट क्रिएट करने में, लेकिन वो कुछ खास उतना ट्रबल वाला ये काम नहीं है, तो ये आप इजीली वे में कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ अपना यूजर नेम वगैरह सारा फीड कीजिए, तो ये आपका ऑटोमेटिक इस पे हो जाएगा। तो यही दो चीज़ था कि अकाउंट कैसे आप लोगों को क्रिएट करना था, इस पे प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कुछ बच्चों ने अपने घर में बोल दिया कि हर अकाउंट के लिए अलग अलग फ़ोन चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं है, एक ही पे आपका हो जाएगा, ये मैंने पहले भी आपको भी बता दिया है। और दूसरा कि दूसरा जब आपको लॉग इन करना है तो ये लॉग आउट कैसे करना है, ये लॉग आउट कल वाली वीडियो में भी बताया गया था, लेकिन शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये दो चीज़ है, तो ये आप जैसे ही कर लीजिएगा तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरी वगैरह आपका होता है तो आप अपने स्कूल मैनेजमेंट को बताइए, फिर हम लोग देखते हैं अगर वो कैसे सॉर्ट आउट होता है, फिर आपको जरूर हेल्प किया जाएगा। थैंक यू।